हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन आई हैव कम अप विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्राउन गर्ल्स के लिए न्यू लिपस्टिक्स दिखाइए, आप ब्राउन गर्ल्स के लिए न्यू लिपस्टिक्स का कलेक्शन शो कीजिए, आप अपनी न्यू लिपस्टिक्स का कलेक्शन शो कीजिए। तो मेरे पास बहुत सारी न्यू लिपस्टिक्स का कलेक्शन है, बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं किन किन को अपने इस वीडियो में शामिल करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने 10 न्यू लिपस्टिक्स को शो किया है जो कोई भी ब्राउन गर्ल, डस्की गर्ल, कोई भी इंडियन स्किन टोन की गर्ल कैरी कर सकती है विद वेरी कॉन्फिडेंटली। तो चलिए बिना देर के मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन सी है न्यू लिपस्टिक्स मेरे कलेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी हैंड स्वाचेस ऑफ दोज लिपस्टिक्स और लिप स्वाचेस, और आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसा लगेगा वो आपके ऊपर अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो। एंड साइड बाई साइड मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताते चलूंगी, एंड प्राइस विल बी मैंशन ऑन द स्क्रीन, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी ऑफ दीज, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या विद Without wasting any time, let's just start the video and see all the lipsticks and the swatches. बट येस, बिफोर गेटिंग इन टू अ वीडियो यू नो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिसके लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जिसे आपको क्लिक करना होता है, ये आपको पता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। एंड उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहली लिपस्टिक, जो कि है एक लिप क्रेयॉन फ्रॉम लैक्मे, और इसका नाम है लैक्मे एनरिच लिप क्रेयॉन। और इसमें जो मेरा शेड है वो है सिनेमन ब्राउन 09, बट इसमें थोड़ा सा पिंक का हिंट आपको मिलेगा और थोड़ा सा ग्रे अंडरटोन्स मिलेंगे। और इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत लेस पिगमेंटेड है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रब करना पड़ेगा अपने लिप्स पे ताकि इसका एक्चुअल कलर आपको दिखाई दे। बट देन टू इट इज़ वेरी न्यूडी काइंड ऑफ शेड और आप इसे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मिस क्लेयर का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स, जिसमें मेरा शेड है 58, जो बहुत हाई प्रोडक्ट है और ब्राउन या डस्ट या अंडरटोन गर्ल्स पे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हल्का सा हिंट मिलेगा आपको पिंक का और ये लिप्स के ऊपर बहुत 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 गॉर्जियस लगता है। अगर आप ब्राउन या डस्की हैं तो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको ये क्रीमी लगेगा और ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, तो लिप्स आपके हाइड्रेट रहते हैं काफ़ी टाइम तक और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपको नहीं फील होगी। आप इसे एक तरह से लिप क्रीम की तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम लुक्स गुड। थर्ड है हमारा इबा हलाल का ये बुलेट लिपस्टिक, जिसमें मेरा जो शेड है वो है पिंक नेक्टर A60, और आप देख सकते हैं कितना सा बचा हुआ है इसमें, बट ये भी बहुत प्रिटी सा एंड गॉर्जियस सा पिंक अंडरटोन में न्यू शेड है और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड्स है। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी है और ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। आपको ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करना पड़ेगा टू ब्लॉट एंड रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर, बट देन टू इट इज़ वेरी प्रिटी शेड और आप इसे कैरी कर सकते हैं डेली भी, और ये काफ़ी ग्लैमरस लुक भी देता है अगर आप बोल्ड मेकअप करेंगे तो। सो दिस वॉज द नेक्स्ट शेड विच आई लव लव एंड लव अ लॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले शेड की तरफ, और वो है ब्लू हेवन का ये एलिगेंस मैट लिप कलर, जिसमें मेरा शेड है 07। ये बहुत पिगमेंटेड है, इसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ अलग से, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि इसमें जो ये वाला शेड है ये आपको देखने में लगेगा काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बट ये ड्राई होने के बाद अच्छा खासा न्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, जो अगर आप ब्राउन हैं, ऑलिव हैं या ज़रा सा भी वेटिश हैं तो ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है, कहीं भी नहीं जाने वाला है, एक बार लग गया तो 7 से 8 घंटे की छुट्टी। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, करेंटली फेवरेट शेड्स। तो नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ मैट मी, ये है एडीएस की तरफ से मैट मी, और इसमें मेरा जो शेड है वो है रोज ब्लॉसम। ये बहुत रेयरली आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको खोजना पड़ेगा, बट ये भी काफ़ी प्रिटी सा न्यूड सा पिंक शेड है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिप्स को ड्राई बना देता है, तो रिमेंबर कि जब भी आप इसे अप्लाई करें तो आपके लिप्स जो हों बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हों, नहीं तो आपके लिप्स बहुत ड्राई हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, इसको उतारने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत गॉर्जियस लगता है। तो नेक्स्ट बढ़ती हूँ अगले शेड में, और वो है वेट एंड वाइल्ड का ये लिक्विड कैट सूट लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है गिव मी मोचा, और ये भी बहुत बहुत प्यारा शेड है। हल्का सा ब्राउन अंडरटोन इसमें आपको मिलेगा और ये लिप्स पे काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे डेली कैरी कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, लाइट फॉर्मूला है, नो हार्श स्मेल, नथिंग, और ये बहुत ईजिली लग जाता है आपके लिप्स के ऊपर बिना आपके लिप्स को ड्राई किए, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। और ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक ये आपके लिप्स पे नहीं रहने वाला है, बट ये काफ़ी प्यारा लगता है आपके लिप्स के ऊपर और आपके लिप्स को और फेस को काफ़ी अच्छा सा लुक देता है।
ओके एंड इसके बाद है मेरे पास ये कलर बार का किस प्रूफ लिप स्टेन इन द शेड नंबर 07 हॉट लाटे, और ये शेड भी जो है काफ़ी प्यारा शेड है। इसकी आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगेगी बट ऑल माई न्यू लिपस्टिक्स एंड आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। आपको इनमें से जो भी लिपस्टिक परचेज करनी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपको कौन सी वाली न्यू लिपस्टिक सबसे ज्यादा पसंद आई। तो चलिए रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।